महाराष्ट्र नंदुरबार रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्बोधन आसत देखिबा। यही महाराष्ट्र की धरती पर ये संत आवाज उठी थी, विश्वाचा विश्राम रे, स्वामी माजा राम रे, अर्थात मेरे राम तो पूरे विश्व के विश्राम है, आश्रय है। ऐसे प्रभु राम को कांग्रेस पार्टी वाले आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ मानती है। भगवान श्री राम की सीख है, परहित सरीस, धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, अर्थात दूसरों की सेवा से, परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, और किसी को पीड़ा देना ही सबसे बड़ा पाप है। ऐसे प्रभु राम को सहजादे, उनके गुरु और कांग्रेस पार्टी इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ मानती है। हमारे राम कहते हैं, कोमल चित दिनह पर दाया, मन वच क्रम मम भगति अमाया, अर्थात जो दीन दुखियों की पीड़ा को जानता है, महसूस करता है, वही मेरा भक्त है। ऐसे प्रभु राम को कांग्रेस आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ मानती है, और ये भगवान राम की ही शिक्षा है, धर्मनो दुसुर, धर्मो न दुसर, सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, अर्थात सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। ऐसे प्रभु राम को कांग्रेस आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ मानती है। ये राम ही है, ये राम ही है जो सभी दीन दुखियों को, वंचितों को गले लगाकर अपने पास बैठाते हैं। सहज सहज स्नेह विवस रघुराई, सहज स्नेह विवस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। ऐसे प्रभु राम को कांग्रेस आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ मानती है। हमारे राम जनजातीय समाज से कैसे मिलते हैं? हमारे राम जनजातीय समाज को मिलते हैं, पुरजन करी जोहारू घर आए, अर्थात राम आदिवासियों का, उनकी संस्कृति का सम्मान करते हैं, उनसे जोहार करके मिलते हैं। ऐसे प्रभु राम को कांग्रेस आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ मानती है। हमारे प्रभु श्री राम ने हमें सिखाया है, और ये जो लोग देश छोड़कर के भाग गए हैं, वो जरा कान खोल के सुन ले। हमारे प्रभु राम ने सिखाया है, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।